Superintendent ITI, Kazim Saab, other guests from departments and other organizations or dear participants, Assalamu Alaikum. जो आज के इस वर्कशॉप का जो मकसद है, मेन जो है वो गवर्नमेंट का यही है कि आप जो ITI पास आउट है या आप जो फाइनल ईयर ITI स्टूडेंट्स है उनको एक रोड मैप दिखाया जाए, एक रास्ता दिखाया जाए कि आप जब पास आउट हो जाओगे या आप अभी पास आउट हो रहे हो तो आप एक गैप ना रहे, जब आप यहाँ पे एक स्किल डेवलप कर रहे हो तो एक गैप ना रहे कि आप बिल्कुल पता ना रहे आपको कि आगे जाके क्या करना है। उस गैप को फिल करके इस वर्कशॉप को इसीलिए ऑर्गेनाइज किया है ताकि आप लोग आप लोगों के पास एक क्लियर व्यू हो कि आपको आगे जाके क्या करना है। प्लस जो गवर्नमेंट का एक एक इनिशिएटिव है कि गवर्नमेंट से डोर स्टेप करके, तो यहाँ पे सच में मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट से डोर स्टेप है। आप यहाँ ITI से अभी पास आउट हुए भी नहीं हो कि आपको बैंक यहाँ पे है, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट यहाँ पे है, टैक्सेस डिपार्टमेंट यहाँ पे है कि आपको आपके डोर स्टेप पे ही आपको बता रहा है कि भाई आपको यहाँ से निकाल के क्या करना है, आपको इंडस्ट्रीज में से क्या क्या लोन थे, बैंक से क्या क्या लोन थे, प्लस आपको GST का कैसे करना है। तो मुझे लगता है कि आप सबको इस अपॉर्चुनिटी का एक फायदा उठा के एक अपने आप को एक वेल सेटल करके एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन का जो जो भी यहाँ पे स्कीम है इनका फायदा उठाइए। एज सच अगर आप लेबर डिपार्टमेंट का देखोगे तो हमारा कोई डायरेक्टली इस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अभी यही अगस्त में एक गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स ऑन ई-श्रम। तो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स में जब आप कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिश करोगे, चाहे शॉप्स करोगे या टेलरिंग का कोई शॉप होगा, ब्यूटी सैलून होगा, कोई भी कारपेंट्री का होगा, जब आप शॉप एस्टैब्लिश करोगे तो आप लोग आते हो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। जैसे अगर हम देखें कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर्स आते हैं जहाँ पे पर्टिकुलर एक रिटायरमेंट का है, प्रमोशन का है, इंक्रीमेंट एक पर्टिकुलर रूल है हमारे शॉपकीपर से, उनका वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनका पर्टिकुलर एक रूल नहीं है जिसके डिफाइन में वो चले। तो गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, एक इनके रजिस्ट्रेशन के लिए ई-श्रम एक पोर्टल बनाया हुआ है। तो इसमें जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे ई-श्रम में अनऑर्गेनाइज वर्कर, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है दो ऑब्जेक्टिव थे, लॉकडाउन की वजह से तो काम ना मिलने की वजह से या कर्फ्यू कोरोना कर्फ्यू की वजह से लॉकडाउन की वजह से कोरोना पैंडेमिक की वजह से डर के ही वजह से तो कहीं ना कहीं सब इफेक्ट हुए थे। लेकिन गवर्नमेंट का अब ये था कि जब हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमारे अंदर रजिस्टर्ड लेबर्स थे उनको हमने एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया था उस दौरान, क्योंकि वो हमारे साथ रजिस्टर्ड थे तो हमने उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया था। तो गवर्नमेंट का अब ये है कि जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे लोग इफेक्ट हुए थे, चाहे शॉपकीपर्स थे, टैक्सी ड्राइवर्स थे, कोई भी है वो भी इफेक्ट हुए थे, तो उनको एक फाइनेंशियल अगर असिस्टेंस प्रोवाइड करे तो गवर्नमेंट के पास कोई डाटा नहीं है। तो अगर आप लोग रजिस्टर करते हो ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर ई-श्रम पे जब आप रजिस्टर करते हो तो गवर्नमेंट ये कह रहा है कि आगे आने वाले सालों में अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन जैसे हमारा पिछले साल हुआ, इस साल हुआ कोविड की वजह से, अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो आप लोगों को एक फाइनेंशियल असिस्टेंस वो प्रोवाइड कर सकता है गवर्नमेंट। प्लस इसमें गवर्नमेंट अभी कर रहा है कि बहुत सारे स्कीम्स को इस ई-श्रम के थ्रू ही आपको डिलीवर कर रहा है। जैसे अभी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जिसमें आपको इंश्योरेंस मिल रहा है, आपको इन केस ऑफ टेम्पररी डिसेबिलिटी, परमानेंट डिसेबिलिटी लगभग 2 लाख का इंश्योरेंस है। और अगर इसमें जैसे ही आप लोग रजिस्टर करते हो ई-श्रम से तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाते हो, यानी कि फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम है वो गवर्नमेंट ही भर देगा, सेकेंड ईयर में आपसे पूछेगा कि भाई आपने ये स्कीम को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। तो सेकेंड ईयर का अगर प्रीमियम भी देखोगे आप तो पर एनम 12 रुपीज है, यानी कि पर मंथ 1 रुपीज, तो 1 रुपीज मुझे नहीं लगता कुछ भी है कि आप एक आपको 2 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा है 1 रुपए पर मंथ में। तो ये स्कीम शायद किसी को पता भी नहीं था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस स्कीम को ई-श्रम के थ्रू लॉन्च किया है कि जो भी ई-श्रम में रजिस्ट्रेशन करेगा अनऑर्गेनाइज वर्कर तो वो
ऑटोमेटिकली इसके लिए एलिजिबल होगा। फर्स्ट ईयर का गवर्नमेंट प्रीमियम देगी, तो सेकंड ईयर में क्या करना है वो आपसे पूछेगी कि भाई 12 रुपये आपके अकाउंट से कटेगा आपको इंश्योरेंस के लिए, तो वो काटना है कि नहीं, वो आपसे कंसर्न लेगा, फिर ही होगा। तो मुझे लगता है 12 रुपये इज नथिंग कि आप एक इंश्योरेंस के लिए। तो इसी तरह गवर्नमेंट बाकी स्कीम्स के लिए भी, बाकी जैसे शॉपकीपर्स के लिए पेंशन स्कीम्स है, तो अभी डाटा होगा कि अच्छा टैक्सी ड्राइवर्स कितने हैं, नरेगा वर्कर्स कितने, फार्मर्स कितने हैं, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट फिर उस स्कीम को लॉन्च करेगी ई श्रम के थ्रू। बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ आपको आधार कार्ड, मोबाइल और बैंक अकाउंट देना है। इसमें जैसे आप लोग पढ़े लिखे हो तो आप लोग खुद भी रजिस्टर कर सकते हो www.ishram.gov.in पे, नहीं तो आप नियरेस्ट CSC पे जाके रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपका मोबाइल और आधार लिंक होना चाहिए। लेकिन अगर नियरेस्ट CSC पे अगर जाते हो तो वो वहाँ पे उनके पास वो आधार ऑथेंटिकेशन वो डिवाइस होता है, तो वो वहाँ पे कर देंगे। और CSC पे भी ये रजिस्ट्रेशन फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ वो शायद लेमिनेशन अगर आप करवाओगे तो उसका कोई चार्ज लेते हैं, एज सच रजिस्ट्रेशन फ्री है। और ये जो कार्ड है ये एक आधार कार्ड टाइप का ही है, जैसे आधार कार्ड में एक नंबर होता है ना, वैसा ही आधार कार्ड टाइप का एक कार्ड है जो पैन इंडिया चलेगा। चाहे यहाँ पे जैसे हमारा ये माइग्रेंट लेबर्स के लिए भी है, तो वो माइग्रेंट लेबर्स अगर यहाँ आते हैं, उनका कोई केस यहाँ पे होता है, तो वो यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते। पैन इंडिया जैसे हमारा आधार कार्ड चलता है, ये ऐसे ही ये ई श्रम कार्ड भी चलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग एक कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करें तो इसमें रजिस्टर करें अपने आप को एज एन अनऑर्गेनाइज वर्कर, ताकि गवर्नमेंट की स्कीम्स का जो है आप फायदा उठा सको। प्लस आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग एक एम्प्लॉयर बनोगे तो आप अपने अंदर जो एम्प्लॉयज को रखोगे तो उनके लिए उनके राइट्स का ध्यान रखें, लेबर लॉस का ध्यान रखें, जिसमें जैसे कि आप मैंने मैक्सिमम देखा जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंडर मैक्सिमम आता है कि आप जैसे अगर सेक्शन 3 देखोगे उसमें एक एम्प्लॉय जो है इज लायबल टू पे द एम्प्लॉय, जो उसने जिसको रखा है उसको पे करना ही करना है, वो सेक्शन 3 के अंदर। इसी तरह सेक्शन 15 के अंदर आता है कि आप लोग डिले भी नहीं कर सकते किसी को अगर आप रखते हो। सिमिलरली अगर आप इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट है हमारे इसमें, तो अगर आप एक मेल और फीमेल वर्कर को रख रहे हो और नेचर ऑफ वर्क जो अगर सेम है, तो आप लोग उसमें पेमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो कि भाई ये फीमेल है ये मेल है, तो उस चीज में फिर आपको लीगल एक्शन होगा। चाहे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट है, तो आप जब इंशाल्लाह एक अच्छे एम्प्लॉयर बनोगे तो अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखें, उनके राइट्स का ध्यान रखें, लेबर लॉस का ध्यान रखें। और मेरी यही दुआ है कि आप लोग कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिश करो उसमें आप लोगों को कामयाबी हासिल हो। थैंक यू।